बहुत ही बेसिक तो नहीं कहूंगा मैं, बट बड़ा ही पेचीदा सा सवाल मैं इधर आपसे करना चाहता हूं और आपका उसमें नजरिया जानना चाहता हूं उस समय का, कि जब हम अपनी एक बचपन से जवानी के दौर पे आते हैं, हम बहुत कुछ उस टाइम में लाइफ में देखते हैं। शायद इधर हम बहुत सक्सेसफुल फैमिलीज में होते हैं या स्ट्रगल फैमिलीज में होते हैं, व्हाटएवर, हम लोग कुछ ना कुछ उधर सोचते हैं, देखते हैं और हमारा नजरिया बनता जाता है। हम पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियरिंग की करता है, कोई अपना सोशल साइंस की करता है, हर कोई अलग अलग एजुकेशन लेता है, लेकिन शायद फ्यूचर में जाके वो उस कोर्स को चेंज कर देता है। वो पढ़ता कुछ है, करता कुछ, कितना टफ रहता है वो डिसीजन उस स्टेज के अंदर, जब हमें पता चलता है हमने इतनी पढ़ाई जो लाइफ में करी, इतना कुछ सोचा, आज हम उस पे ना बढ़ के किसी ऐसी चीज पे बढ़ रहे हैं जिसपे हमारे हमने कोई कोर्स नहीं किया था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया था, तो क्या हमारे वो सारे साल वेस्ट हो गए? कुछ लोग तो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं और उसी में ही चलते रहते हैं, चाहे उनकी जिंदगी स्वाहा हो जाए, उसमें कोई पॉइंट ही ना रहे। कुछ लोग उसको समझ लेते हैं, शायद आपने समझा, बट वो जो समय होता है उसको काटना और उसमें जंप करना इस नए समय में कितना टफ रहा आपके लिए, और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो क्या प्रोसेस था, वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए? क्योंकि आप तो सक्सेसफुल हो गए, आपकी तरह और भी बहुत लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, बट हर कोई शाहबाज खान और हर कोई अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या आमिर खान या शाहरुख खान नहीं बन पाता। सक्सेस स्टोरीज तो होती हैं, अनसक्सेसफुल की कोई गिनती नहीं होती है। मैं समझता हूं, मैं तकदीर का बहुत मानने वाला हूं, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। तकदीर अगर चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, और तकदीर अगर चाहे तो हीरे को पत्थर की कड़ी बना दे, लेकिन तकदीर बगैर जद्दोजहद के उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये भी हकीकत। तो मैं फिर कॉलेज वगैरह में होटल्स में काम करने लगा, उसके बाद मेरे दिल में तो था ही, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं नवाब, वो मुझसे पहले बॉम्बे आए थे स्ट्रगल करने के लिए फिल्मों में, तो उन्होंने मुझे खत लिखा और उन्होंने कहा कि आप भी आ जाइए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, शक्ल सूरत भी ठीक ठाक है, तो आप आइए ट्राई कीजिए। तो मैं बंबई आ गया, फिर बंबई में वो सिलसिला चला जो स्ट्रगल का होता है आमतौर पे। उम्र कुछ नहीं थी, क्या थी उम्र, मेरे ख्याल 18-19 साल की उम्र थी, 20 साल होगी मेरे ख्याल। फिर उसके बाद मुझे ये मौका मिला द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान में, और मेरे दिल में ये था कि मैं एक ऐसी छाप छोड़ूं जो लोग हमेशा याद रखें। तो मैंने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से सीरियल में काम किया, बहुत पॉपुलर भी हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो भी जिंदगी आप पीछे गुजार के आए हैं वो आपको पुख्ता करती है, आपको मजबूत करती है, और अगर अल्लाह साथ दे दे, तकदीर साथ दे दे, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। आपका क्या ख्याल है? मुनासिब फरमाया आपने शहबाज खान जी। हम लोग लाइफ में प्रोसेस की तरह नहीं लेते हैं। मैं खुद इन दौरों से गुजरा हूं काफी, नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के, और कैसे बाहर आया जाता है, वो प्रोसेस क्या होता है, हम उसे कैसे लेते हैं, हमारा नजरिया कैसे रहता है, वो बहुत मायने रखता है। आपने अपने एग्जाम्पल से बहुत क्लियर समझा कि दैट इज अ प्रोसेस। कभी कभार हम चलते ही जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि वो हम खुद के लिए चल रहे हैं या औरों के लिए चल रहे हैं। पास्ट में हमारे साथ जो बुरा हुआ होता है या कोई हमारे साथ डिप्रेसिंग फैक्टर होता है, इन जनरली हम लोग उसे बाहर नहीं निकल पाते। हमें समझने में बहुत समय और दिक्कत होती है कि जो बीत गया है हम उसे चेंज नहीं कर सकते।
बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज जो राजाओं की थी या बड़े बिजनेस हाउसेस की थी जो अब नहीं संभली उनसे आने वाली जनरेशन से, वो उसी की फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर अपना टाइम निकाल देते हैं, हमारे भी ये था वो था ऐसा था, बट वो आगे बढ़ने की नहीं सोचते। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बीत गया वो नहीं बदल सकता, बट जो आने वाला कल है वो अगर हम आज अपनी अवेयरनेस से सोचें, पॉजिटिविटी पे लेके जाए, तो कम से कम अपने आने वाला फ्यूचर तो खूबसूरत बना सकते हैं, उसे देख सकते हैं। लेकिन नहीं, डिप्रेशन को पकड़ के रखना हम लोगों को बहुत मजा आता है। जो बातें हमें दुख देती हैं, हम कांटों का पौधा वैसे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन परेशान करने वाली बातें, दुख वाली बातों को घेर के बैठे रहेंगे। मैं खुद खुद की मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरा नजरिया अगर लाइफ में यह है कि जो बीता सो बीता, मेरा आने वाला कल खूबसूरत होगा और उसको मैं खुद डिजाइन करूंगा, मैं खुद सोचूंगा और मैं अपना बेस्ट ईमानदारी से उसके अंदर दूंगा।